हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीमा और कुक विद सीमा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप रोज एक ही तरह का नाश्ता खा के बोर हो गए हैं तो आज मैं आपके लिए बिल्कुल नई नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। झटपट बन के तैयार हो जाती है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। इसे बनाने के लिए मैंने एक कप सूजी ली है। यहाँ मैंने बारीक वाली सूजी ली है, पर इस रेसिपी के लिए आप मोटी वाली सूजी भी ले सकते हैं। इसके साथ ही इसमें आधा कप ताजी दही ऐड करेंगे। तो बस ध्यान रखें कि दही आपका खट्टा नहीं होना चाहिए। नमक स्वाद के अनुसार हम डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम आधा कप पानी ऐड करेंगे और पानी डालने के बाद इसे हम मिक्स कर देंगे। बस इसे रफली हमें मिक्स करना है और अब इसे हम ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे और चलते हैं तब तक अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो इसके लिए मैंने एक पैन लेकर उसमें 2 चम्मच ऑयल ले लिया है। जैसे ही ऑयल गर्म होता है उसमें आधा चम्मच सरसों के दाने, आधे चम्मच जीरा और 1 पिंच हींग डाल देंगे। हींग डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। सरसों को अच्छी तरह से स्प्लटर होने देंगे और अब इसमें एक हरी मिर्च को हम काट कर दे देंगे। अगर आप तीखा कम खाना पसंद करते हैं तो आप हरी मिर्च स्किप कर सकते हैं। और एक मीडियम साइज के प्याज को हम चॉप करके इसमें डाल देंगे। तो प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा कलर चेंज होने तक इसे पका लेना है। अब इसमें मैं 1/4 कप मटर ले रही हूँ, तो ये फ्रोज़न मटर है। मटर बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसे हम 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। अब इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ के टमाटर को चॉप करके डाल दिया है। टमाटर डालने के बाद इसे हम मिक्स कर देंगे। इसके साथ ही इसमें 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे और इसे आधे मिनट के लिए पका लेंगे, जिससे कि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। और अब इसमें नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डालकर इन सबको हम मिक्स कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक, या फिर जब तक टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हम इन मसालों को भून लेंगे। मसाले हमारे अच्छी तरह से भून गए हैं, टमाटर भी सॉफ्ट हो गया है और मसालों ने पैन छोड़ना भी शुरू कर दिया है। तो इस स्टेज में हम 3 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लेकर उनको मैश करके इसमें मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करते हुए इसे हम 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। तो कंटिन्यूस चलाते हुए मैंने 2 से 3 मिनट तक आलू मसाले को पका लिया है। अब इसमें और ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए 1 चम्मच नींबू का जूस मैं ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इस समय 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और 2 बड़े चम्मच कटा हुआ हरा धनिया हम ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो तीखा खट्टा चटपटा आलू का मसाला बनके तैयार है। इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो हमने सूजी का बैटर जो रेस्ट होने के लिए रखा था उसे हम चेक कर लेंगे। तो बैटर हमारा फूल कर पहले से गाढ़ा हो गया है, तो इसे अब हम एक ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और जार में ट्रांसफ़र करके के बाद इसमें 1/4 कप हम पानी ऐड करेंगे और ढक कर इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ग्राइंड करने के बाद किस तरह की कंसिस्टेंसी आई है। बिल्कुल हमें ऐसी ही रनिंग कंसिस्टेंसी चाहिए। ज़्यादा या कम पानी आप ऐड नहीं करें। और आलू का मिक्सचर ठंडा हो गया है तो उसके इस तरह से हम रोल बना के तैयार कर लेंगे। जैसे हम फ्रेंकी बनाने के वक्त रोल तैयार करते हैं तो उसी तरह से हम इसके भी रोल बना के तैयार करेंगे।
तो बस थोड़ा सा मिक्सचर लेकर और इस तरह से हाथों के बीच घुमाते हुए हम इसके रोल्स बना के तैयार कर लेंगे। तो मैंने इसके सारे रोल्स बना के तैयार कर लिए हैं और यहाँ मैंने एक तवा गर्म होने के लिए रख दिया है। और अब एक लैडल से तैयार बैटर को इस तरह से फैला कर और डोसे की तरफ हम इसको फैला के पतला कर देंगे। बस इसे बनाने वक्त ध्यान रखना है कि तवा हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा गर्म तवे पे आप बैटर डालेंगे तो ये फूलने लगेगा और फिर ये उतनी अच्छी सीट हमारी नहीं बन के तैयार होगी। तो आप देख सकते हैं एक मिनट पकने के बाद खुद ही इसने तवा छोड़ना शुरू कर दिया है। तो जब ये इस तरह से लगे तो फिर आपको इसे पलट देना है, इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। और दूसरे तरफ से भी एक मिनट के लिए हम पका लेंगे। और इस तरह से ये सीट बन के तैयार हो गई है और ये बहुत ही पतली सीट बन के तैयार होती है इस तरह से। तो इसी तरह से हम दूसरे सीट के लिए भी बैटर फैला देंगे और बहुत ही ईजिली बन के तैयार हो जाती है। बस एक सीट बनाने में आपको 2 से 3 मिनट लगते हैं। गैस का फ्लेम हम लो या मीडियम लो पे रखेंगे, तेज आंच पे हमें इसे बिल्कुल नहीं पकाना है। और दूसरे साइड से भी एक मिनट पकाने के बाद इसे हम फ्लिप कर देंगे और ये सीट भी रेडी है। तो बस इस तरह से बैटर डालकर और हमें इसे घुमा देना है। तो इसी तरह से हमें सारे सीट्स बना के तैयार कर लेने हैं। तो इतने बैटर से आप 10 से 12 सीट बना के तैयार करेंगे। तो 4 से 5 सीट मैंने बना के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसको असेंबल करके दिखाती हूँ। इसके लिए मैंने एक सीट लेकर उस पर टोमेटो सॉस फैला दिया है, फिर ऊपर से आलू वाले रोल को हम इस तरह से रख के और दोनों साइड को इस तरह से हम फोल्ड करके और इसे रोल का शेप दे देंगे। तो ये बहुत ईजली हो जाता है, 1 से 2 बनाते बनाते आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इसे रोल करने में। तो एक रोल हमने बना के तैयार कर लिया है, इसे हम प्लेट पे रख लेंगे और इसी तरह से हम दूसरा बना के तैयार करेंगे। फिर से हमने एक सीट लिया है और इस पे थोड़ा सा टोमेटो सॉस फैला देंगे। आप चाहें तो इसके लिए हरी चटनी या फिर सेजवान चटनी का भी यूज कर सकते हैं, उससे भी रोल का फ्लेवर काफ़ी अच्छा बन के आता है। और फिर से एक आलू का रोल हम डालकर और इस तरह से फोल्ड करके इसे रोल का शेप दे देंगे। तो आप इसे इंडियन स्टाइल स्प्रिंग रोल भी कह सकते हैं, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो रोल्स मैंने बना के तैयार कर लिया है, अब ये रेडी है। आप चाहें तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं या फिर इसे थोड़े से ऑयल में हम सेलो फ्राई कर लेंगे, जिससे ऊपर की लेयर थोड़ी सी क्रिस्प हो जाएगी। तो इसके लिए एक पैन में मैंने 1 चम्मच तेल ले लिया है, इसमें हम थोड़े से राई के दाने ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें जीरा या फिर और मसाले भी ऐड कर सकते हैं, जैसे लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर। जैसे ही सरसों हमारे चटकते हैं इसमें हम 1-1 करके रोल डाल देंगे। तो रोल ये एक बार इस तरह से फोल्ड कर देने के बाद ये नहीं खुलते हैं, इसी तरह से ये पैक रहते हैं और इसे हम लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो बस 1 चम्मच तेल में ये काम हो जाता है और इससे इसका फ्लेवर कई गुना बढ़ जाता है। तो बहुत ही इजी और हेल्दी सी रेसिपी है और ये इतनी वर्साटाइल है कि इसे आप सुबह के ब्रेकफास्ट में, इवनिंग स्नैक में या फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं। और दोनों तरफ से पलटते हुए मैंने इसे लाइट ब्राउन होने तक पका लिया है। तो इन पॉकेट्स को हमें बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, बस हल्का सा लाइट ब्राउन कलर आने तक इसे हमें स्लो फ्राई कर लेना है। ज़्यादा फ्राई करने से ऊपर की लेयर ज़्यादा क्रिस्प होकर स्ट्रेची हो जाएगी और खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। तो बस ऊपर से हल्का सा क्रिस्प और अंदर से सॉफ्ट, ये रेसिपी ऐसे ही अच्छी लगती है। तो सारे को मैंने फ्राई करके एक प्लेट पर निकाल लिया है। तो आप चाहें तो इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं किसी प्लेट में। तो इसे टोमेटो सॉस या फिर ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें या फिर ऐसे भी ये काफ़ी अच्छी लगती है। तो एक रोल मैं आपको काट के दिखाती हूँ, या फिर चाहें तो आप इसे काट के भी सर्व कर सकते हैं।
तो आप इस नाश्ते की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कैसी बनती है मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। आई होप आज की ये सिंपल और हेल्दी सी नाश्ते की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ बहुत जल्द आपसे ऐसी ही नई और हेल्दी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।